बात करेंगे अब होली के बीच देश में कोरोना जो है वो तेजी से पैर पसार रहा है और देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। रोजाना करीब 50,000 नए मरीज आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है और यहां के 36 में से 25 जिलों में कोरोना के आंकड़े हालात की गंभीरता बता रहे हैं। वहीं होली और तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियातन राज्यों ने गाइडलाइन जारी की है। एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों में होली मनाएं और कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। एबीपी न्यूज बार बार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि होली जरूर मनाएं लेकिन अपने घर में मनाएं और पूरे एहतियात के साथ मनाएं ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। राज्यों की तरफ से अलग अलग गाइडलाइन बनाई गई है ताकि कोरोना के मामले और बढ़े नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार देश में जिस तरह से रोज मामलों की गिनती बढ़ती जा रही है उसने सबकी चिंता बढ़ाई हुई है और इसीलिए ये तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए होली का त्यौहार है, होली तो हम सब मना रहे हैं लेकिन होली के साथ साथ कोरोना भी चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में होली का त्यौहार कैसे मनाएं और कैसे सुरक्षित तरीके से होली मनाएं, क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरज कौल MD हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमान मौजूद है हमारे साथ, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। डॉक्टर धीरज कौल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक तरफ होली का त्यौहार और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछले साल भी हमने देखी होली इसी डर की वजह से, कोरोना के डर की वजह से लोग बहुत ज्यादा नहीं मना पाए, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन खुल गया, स्थितियां सुधर गई, सबके मन में है कि होली मनाएं, लेकिन एक बार फिर चिंता और खतरा बढ़ा हुआ है, क्या कुछ ध्यान रखें होली के दौरान? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जैसे कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, कोरोना वायरस इज एवर इवॉल्विंग, हर कुछ हफ्ते के अंदर नए आर्टिकल्स आ रहे हैं जो इसके अंदर ह्यूज चेंजेस दिखा रहे हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस से आप लड़ भी सकते हैं और बच भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको मास्क डालना है, हाथ वॉश करना है और पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। इट डजेंट मैटर कि एनवायरनमेंट क्या है, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, ये बेसिक है। क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो आप फेस्टिवल बना सकते हैं, इलेक्शंस में पार्ट जा सकते हैं, रैलीज में जा सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके ऊपर है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी इशू जो आ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि जो वायरस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 2-1 महीने पहले आप ही के शो पे मेरे लास्ट इंटरव्यू में ये बताया था कि स्पाइक प्रोटीन पे जो चेंजेस हम देख रहे हैं, यूके वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और अब उसका एक नया सब टाइप हम देखने में आ रहा है जो कि बहुत तेज़ी से अटैच करता है। और अगर आप एक बारी कोरोना से पहले बीमार हो चुके हैं तो तकरीबन 40% ऐसे लोग जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन्हें नया स्ट्रेन लग रहा है, तो ये एक और खतरनाक बात है। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से पूरा काम कर रही हैं, लेकिन होली त्योहार इनके अंदर आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अगर जरूरत पड़े तो विटामिन लेना है, स्लीप अच्छी करनी है, अल्कोहल और सिगरेट से दूर रहना है, स्ट्रेस हो सके तो कम करिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा आपका हथियार है। और आपके दर्शकों को जानने के लिए जरूरी है कि जस्ट बिकॉज अगर आपको वैक्सीन लग जाए, कोई भी वैक्सीन 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी एज ऑफ नाउ। अब जो डाटा आ रहा है नई वैक्सीन का, जैसे एस्ट्राजेनेका की एफिकेसी और अब गिर के 79-76% पहुंच चुकी है एज ऑफ द आर्टिकल्स यस्टरडे। तो कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि अगर 3 आदमी वो वैक्सीन ले रहे हैं तो 2 बच पाएंगे, 1 को फिर भी हो सकता है खतरा बना, और जिसको होगा। तो वैक्सीन लेने के बाद भी आप सुपर हीरो मत बनिए, मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए जब तक एक पूरी हर्ड इम्यूनिटी ना आए। देखिए हमें 2-3 साल तक इस कोरोना के अकॉर्डिंगली जीना पड़ेगा, ये कोई स्प्रेड नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसीलिए चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि होली का त्यौहार है और होली लगातार लोग कोशिश करते हैं कि मनाएं, और होली का त्यौहार ऐसा है कि जिसमें लोग जुटते हैं, कई सारे लोग एक साथ जुटते हैं, इसलिए थोड़ा जो टेंशन है ना वो बढ़ी हुई है। इसीलिए जो तमाम सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि होली लोग घरों में ही मनाएं और कोशिश करें कि तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका पालन करें। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। होली को लेकर बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, लोग बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वर्तमान अभी करंट सिनेरियो की मैं कर रहा हूँ, क्या करें, कैसे तमाम चीज़ों को कंटेन करें ताकि होली का त्यौहार भी आप मना लें और किसी दिक्कत में भी ना आए।
देखिए, जैसे डॉक्टर कॉल ने भी अभी बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी पर विश्वास करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और देखिए, एक बहुत अच्छा डेटा जो अभी सामने आया है वो ये कहता है कि 90% लोगों को ये मालूम है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, फिर भी केवल 44% लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा रहे हैं। और आज देखिए, दोबारा मास्क से हमें क्या फ़ायदा होता है ये भी समझा देते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो 406 लोगों को 30 दिन के अंदर कोरोना ला सकता है। वहीं अगर वो व्यक्ति मास्क लगाए तो केवल 15 लोगों को वो संभावनाएं रहती हैं उससे कोरोना होने की। और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कर लें मास्क के साथ तो केवल 2 लोगों को उससे कोरोना होने की संभावनाएं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, ये कहां 406 लोग और कहां 2 लोग, तो कितनी तेजी से हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो 70% आज जो हमारे मामले आ रहे हैं उन पर हम कंट्रोल लगा सकते हैं। और पिछले साल का भी देखिए एक्सपीरियंस सबके सामने है कि पिछले साल जब वैक्सीन नहीं थी तब भी हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के द्वारा ही संक्रमण को भारत में रोका है, और आज भी हमारे पास वही तरीके हैं। वहीं देखिए, बच्चे उत्साहित हो रहे हैं, और पिछले साल भी बच्चे होली नहीं मना पाए थे, लॉकडाउन रहा था, इसकी वजह से भी बच्चे अभी पूरे साल घरों के अंदर बंद रहे और बहुत छटपटा रहे सब लोग बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये समझिए कि पिछले साल से भी ज़्यादा तेज़ है इस वक्त कोरोना की मार, घातक ज़्यादा है, फैल ज़्यादा रहा है, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि और नए नए सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि आप घर के अंदर ही होली खेलें, बाहर के बच्चों के साथ नहीं खेलें। केवल परिवार जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं वही लोग अगर होली में घुले मिले तो ज़्यादा ठीक है, इसकी बजाय कि आप बाहर के लोगों से मिले। क्योंकि देखिए, होली बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के तो संभव है ही नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको तोड़नी पड़ेंगी तभी आप होली खेल पाएंगे। इसलिए इस बार मेरी अपील ज़रूर लोगों से रहेगी कि मन से खूब होली मनाइए, लेकिन तन से इस वक्त संयम रखने की बहुत ज़रूरत है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है, तो जरूर बैठें, एक दूसरे के साथ बातें करें, विशेष जो है वो एक्सचेंज करें, लेकिन कोशिश करें कि इस बार और हम संयम रखें। और पानी से बचना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि अब सीजनल चेंजेस इस टाइम होते हैं, लोगों को तरह तरह से दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं, बुखार हो रहा है, डायरिया हो रहा है, दूसरी बीमारियां भी। तो अगर हम पानी से खुद को इस वक्त बचाएं और अगर सूखे रंगों से खेलें तो मुझे लगता है कि वो हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब ऐसे मौसम में आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला शक जो मन में आता है वो यही आता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। तो वो एक जो पूरा डिस्टर्बिंग टाइम चलता है कि आप टेस्ट कराते हैं, पता लगाते हैं, तो उससे अच्छा क्यों ना है कि हम प्रिकॉशंस ही लें। और ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी अब एलिजिबल हैं, और देखिए अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा लोगों को भी वैक्सीन सरकार दे रही है, तो उनको प्रेरित करें, उनको समझाएं कि वैक्सीन लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर स्ट्रेन्स आ गए, और सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता यही है कि स्ट्रेन्स आ गए तो इस पर तो वैक्सीन का ज़्यादा असर नहीं है, तो वैक्सीन लगाने की क्या ज़रूरत है, तो फिर हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अगर आप वैक्सीन लगाते हैं और वो स्ट्रेन से आपको 100% सुरक्षा नहीं दे रहा है तो भी वो आपको सीवियर डिजीज से बचाता है। अगर आपको कोरोना वैक्सीन के बावजूद भी होगा तो वो आपको उतना तीव्र नहीं होगा, उतना घातक नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाना है, हर किसी को लगवाना है। और अभी जिस को बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर साहब, और बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि वैक्सीन तो सबको लगवाना जरूरी ही है, क्योंकि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक उस तरह की इम्यूनिटी भी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, और ज्यादातर लोगों को इसका फायदा ही है जिस तरह से अभी तक जो चीजें सामने आई हैं। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपका रुख कर रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं कोरोना को लेकर, अब ऐसे में होली का त्यौहार है, बच्चों की तो हम बात कर ही रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि खास करके त्यौहार के टाइम पे खाने पीने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आ जाता है, तो क्या कुछ रखना होगा ध्यान? जी, बहुत सारी प्रिकॉशंस के तहत चलेगी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अब आज होली के लिए समझ लीजिए, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आप ही के हाथ में है, आप स्वस्थ रहना चाहें बीमार होना चाहें। होली इस बार भी आएगी, पिछली बार भी आई थी, अगली बार भी आएगी। जिस तरह कोरोना के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात कही जाती है, तो इसलिए माइक्रो फेस्टिवल का भी आप सीजन समझ लीजिए। घर में होली मनाइए, समुदाय में जाकर ना मनाइए, पहली बात। दूसरी बात, खाने के लिए बाहर की चीजों का परहेज करें, कि बाहर की बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी आती है जिससे आपकी इम्यून सिस्टम या GI डिस्टर्बेंसेज होते हैं, कुछ चीजों से आपके सोर थ्रोट की भी समस्या होती है। तो ये सिम्टम्स आपके ओवरलैप ना करें कोरोना से, इससे बचना भी है, एक दिन की बात है। आप अगर बचे रहेंगे, क्योंकि कोरोना का भी सर्ज आ रहा है, और खास करके सर्ज उनमें देखा जा रहा है जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए थे। अच्छी बात यह है, री इन्फेक्शन के केसेस कम हुए हैं, तो
जो अभी तक रीइंफेक्ट नहीं हुए हैं उनका नंबर आने वाला है वैक्सीन के लिए, तो उनको बचना बहुत जरूरी है। और इस तरह अति उत्साहित होके, मैं मानता हूं पैंडेमिक फटीग जरूर हुआ है, कोरोना फटीग हुआ, एक साल से यही समस्या चल रही है, डॉक्टर एक्सपर्ट मीडिया के द्वारा यही बताया जा रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, कुछ और धीरज रखने की जरूरत है, धैर्य रखिए, ये समय भी निकल जाएगा और होली निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं बहुत सही बात आप कह रहे हैं और हमारे दर्शकों को ये बात समझनी होगी। डॉक्टर धीरज कॉल मैं आपका रुक कर रहा हूँ, मुझे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि हम ऑफिस तो जा रहे हैं या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर तो कर रहे हैं, ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं तो हम त्यौहार भी वैसे ही मना लेंगे, ये इस तरह के सवाल भी है लोगों के मन में, उनको लग रहा है कि हम इस तरह से अगर त्यौहार मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ठीक है या जो बात आप कह रहे हैं वो तो मैं दर्शकों को बता ही रहा हूँ लेकिन ये जो लोगों के अंदर मिथ है ये कहाँ तक ठीक है? देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है यहाँ की अगर हम बात करें, इवन हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर का जो टेली सेक्टर था, जो टेली मेडिसिन था, 2-3% था कोविड से पहले, आज की डेट में 35-33% हो चुका है। ऑफिसेज का जो वर्क फोर्स है वो तकरीबन 30-23% डिक्रीज हो चुका है, एज इन ऑफिस के अंदर जो अगर 10 लोग जाते थे तो अब 6 या 5 लोग ही जाते हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो लोग अवॉइड कर रहे हैं ट्रैवल्स, उबर को भी लोग डिसइंफेक्ट करते हैं यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गति है, जो मेट्रोज यहाँ पे न्यूयॉर्क में चलती हैं उनकी कैपेसिटी इस टाइम 30% है, तो पीपल आर अवॉइडिंग ट्रैवल। लेकिन जो जिसको एसेंशियल है, जो एसेंशियल वर्कर है, जैसे नर्स है, डॉक्टर है, फायरमैन है, ग्रोसरी शॉप वाला है, उसको तो जाना पड़ेगा और अगर वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनका वो वर्क हैजर्ड है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। लेकिन होली मनाना, मुझे इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस समझ आती है, आप टीका भी लगा लीजिए, भगवान का पूजा भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप जैसे डॉक्टर्स ने बताया आपको होली में कॉन्टेक्ट का त्यौहार है, वाटर एक्सचेंज होगा, सिचुएशंस होंगी, आप बीमार होंगे, अननेसेसरी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और आईसीयू का खर्चा बहुत है भारत के अंदर। देखिए अमेरिका के अंदर अगर आप कोविड से बीमार हैं तो आपकी एक भी डॉलर खर्च नहीं होता, दवाई, वैक्सीन, व्हाटएवर आईसीयू। लेकिन मैं पर्सनली लोगों को जानता हूं जिनको अपने गोल्ड बेचना पड़ गया आईसीयू के बिल चुकाने के लिए, जिनका इंश्योरेंसेस नहीं था। तो ऐसी चीज अगर मिडिल क्लास को हिट करेगी तो एक तो जॉब्स जा रही हैं, इकोनॉमी इफेक्ट होगा और गवर्नमेंट इतना भारत में अच्छा काम कर रही है लेकिन उसके बावजूद अगर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी तो उसके एफर्ट्स पूरे नहीं जाएंगे। मास्क गैदरिंग्स अभी भी हो रही है दिल्ली में, लोग मास्क ऐसे डालते हैं, नोज को कवर भी नहीं करते, मैं तो कई एंकर्स को भी देख चुका हूँ पब्लिक में जाके हैजर्ड उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आता है पब्लिक में। और डॉक्टर्स ने इतनी भारत में मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू देम विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन लोगों को भी मिलके इनके साथ काम करने का तभी बचेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ जो भगवान ने आपको शरीर सेहत दिया उसको बचाएं, जैसे अभी डॉक्टर ने भी बताया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर स्वाति मैं आपका रुख कर रहा हूँ, बच्चों को लेकर मेरा फोकस इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम तो पूरे साल नहीं निकले, हम तो कहीं जा नहीं पाए, हमने कुछ नहीं किया, होली का त्यौहार है, अब तो लॉकडाउन खुल गया, लोग निकल रहे हैं, हमारे भी स्कूल्स में लेकर अब स्कूल्स खुलना शुरू हो गए हैं, तमाम सवाल हैं। और एक सवाल ये भी है कि हम तो मास्क लगाकर अगर जाते हैं तो क्या दिक्कत होगी, ये सिर्फ बच्चों में नहीं, ये सवाल बड़ों का भी है कि मास्क लगा के तो हम निकल रहे हैं, मास्क लगा के तो अगर हम किसी के घर चले जाते हैं या कहीं हमारी सोसाइटी में होली हो रही है, 100-150 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि जब भी क्राउडेड जगह होगी और ख़ास तौर से ऐसी जगह होगी जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है। और वहीं हमने सुपर स्प्रेडर्स की थ्योरी भी पढ़ी है कि जब जब भी क्लोज्ड स्पेसेस में एक जने को कोरोना है तो वो लगभग काफ़ी ज़्यादा लोगों को कोरोना कर देता है। ये ज़रूर बात है कि हम थक गए हैं, निरस्ता मन में आ रही है, पूरे एक साल से ज़्यादा हो चुका है हम यही कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और हमारा जो नॉर्मल जीवन था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, अब हम उस नॉर्मल जीवन में वापस नहीं जा पा रहे। लेकिन वहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी समझदारी अगर कोई दिखाते हैं तो वो बच्चे ही दिखाते हैं। बच्चे ही ऐसे हैं जिनको आप जब सिखाते हैं तो सबसे जल्दी सीखते हैं, कि बात है कि बड़े लोग इतनी जल्दी नहीं सीखते हैं, मेरी धारणा है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं। देखिए आप अगर एनवायरमेंट की बात करें, जब पटाखों की बात थी कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए उससे हमारा प्रदूषण होता है, तो आज बच्चे ही अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमें पटाखे नहीं खरीदने इससे प्रदूषण होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस हमें बच्चों को समझाने की जरूरत है, अगर हम बैठ के उनको अच्छे से समझाएं कि थोड़ा और समय अभी कष्ट का है जो कि निकलना जरूरी है और यही आपके लिए सुरक्षा का तरीका है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। और वहीं देखें बच्चों को हम इस इमोशनली भी ये समझा सकते हैं कि अगर बच्चे खुद को कंट्रोल करेंगे, अगर वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग लगे, तो वो संक्रमण घर में नहीं लेकर आएंगे और घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ज्यादातर लोगों के, बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनको संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो अगर हम बच्चों को ये बात भी समझाएं तो उन्हें
जरूर समझ आएगा कि अगर वो अच्छा आचरण रखें, अगर वो इस वक्त हाइजीन का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, तो वो अपने घर में कोरोना लेकर नहीं आएंगे। क्योंकि स्टडीज भी ये कहती है कि बच्चे शायद कोरोना से ज़्यादा प्रभावित ना हो, पर वो ट्रांसमिशन उतना ही करते हैं जितना कि कोई बड़ा व्यक्ति करता है। इसलिए बच्चे भी एक पोटेंशियल हैं कोरोना फैलाने के, और इसीलिए आपने देखा भी कि स्कूल्स भारत में खुले, लेकिन हमें फिर दोबारा उन स्कूल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चों में तेजी से कोरोना बढ़ा। तो आज भी, और अब देखिए नए स्ट्रेन्स हैं, वो नए स्ट्रेन्स कैसे फैल रहे हैं, किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर स्वाति, थोड़ा समय कम है, बीच में आपको रोक रहा हूं, समय में ये चीजें क्लियर। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर अंशुमान का रुख कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है, बच्चों की हमने बात कर ली, मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ बहुत थोड़ा समय हमारे पास, मैं उसमें ये जानना चाहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्यौहार के वक्त में, क्योंकि अब खाना पीना पूरा हमारा चेंज हो गया, आप कुछ चीज़ों का जिक्र भी कर रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इम्यूनिटी के लिए क्या कुछ और करें ऐसे टाइम पर। जी, सबसे अहम बात है, मेडिकल साइंस हमारे जानता है कि इम्यूनिटी अब बढ़ा नहीं सकते हैं, और कोरोना से होने वाली मौत इम्यूनिटी बढ़ने के कारण ही हुआ, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहा है। मतलब इम्यूनिटी को आप सम अवस्था में रखिए, बराबर की अवस्था में, न बढ़ाना है न कम करना है। तो जो चीजें आप बाहर से लेके शरीर में टॉक्सिन की तरह देते हैं, वो इम्यूनिटी आपकी कम करती है, जिसमें फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और एडल्ट्रेटेड फूड या टॉक्सिक फूड, जिसमें मेवा के नाम पे, अब गुजिया के नाम पे बहुत सारी चीजें मार्केट में मिल रही हैं, इनको अवॉइड करें। मतलब इम्यूनिटी को डाउन ना होने दें। आपके घर का खाना, शुद्ध भारतीय भोजन आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए काफी कारगर है। उसी पे आप आश्रित रहें, उसी पे आधारित रहें। यही ये बहुत बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, घर का खाना सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।